स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस ब्लॉग में कि हम लोगों को मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करना चाहिए। और आज बात होगी हम लोगों के सबसे प्यारे दोस्त मोबाइल की, जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता है लेकिन यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से कोरोना आया था तब से भी वर्क फ्रॉम होम होने लगा है। लोग घंटों कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर इज जस्ट लाइक मोबाइल, और हम लोग ज़्यादातर काम अपने मोबाइल से ही करते हैं। एक्चुअली हकीकत भी यही है कि मोबाइल के बिना हम लोगों का काम नहीं चलने वाला। तो अगर किसी के बिना काम नहीं चल रहा है लेकिन हम लोग उसे जब हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है उसका। और ये साइड इफ़ेक्ट होता है हम लोगों के बैक में पेन होने लगता है, ये शोल्डर। दोस्तों, जैसा कि मोबाइल चलाना हम लोगों के लिए ज़रूरी है तो हम लोगों को मोबाइल बहुत ही सावधानी से चलाना चाहिए, और जो गलतियाँ हम लोग कर रहे हैं वो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो ये सब बताने से ही पता चलेगा। आप लोग भी समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो जो मोबाइल ऐसे करके लगातार घंटों ऐसे करके चलाते हैं तो ऐसे उन्हें बिल्कुल भी नहीं चलाना है। मोबाइल जो है हमेशा अपने चेस्ट के सीध में ऐसे रखना चाहिए जिसे हम लोगों की गर्दन जो है ज़्यादा इस पर ऐसे दबाव ना पड़े। ये जो पीछे के मसल्स होते हैं वो काफ़ी जब दबाव पड़ता है तो उसी से हम लोगों के पेन शुरू हो जाते हैं। पूरा शोल्डर में पेन होता है, यहाँ तक के हाथों में पेन होता है, और आइज़ भी हम लोगों की कमज़ोर होने लगती है बहुत ज़्यादा नज़दीक से ऐसे फ़ोन देखने से। तो हम लोगों को जो सही पोजीशन है फ़ोन देखने की वो ऐसे रखनी है, इस तरीके से रखनी है साइड में। तो इसके लिए आप कोई पिलो भी लगा सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किसी पोजीशन में लोग मोबाइल चलाते हैं जो कि गलत है, ऐसे नहीं चलाना चाहिए, और आप लोगों को भी इसका ध्यान रखना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आप लोगों को लगातार फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। जैसे घंटे, दो घंटे, तीन घंटे तक लगातार अगर आप फ़ोन में हैं, गेम खेल रहे हैं या कोई भी अपनी ज़रूरी न्यूज़ सुन रहे हैं, मनपसंद अपना फिल्म देख रहे हैं, तो उससे आपको बचना है। थोड़ी देर अपने आइज़ को भी रिलैक्स कीजिए और अपने हाथों को भी रिलैक्स कीजिए, और लगातार मोबाइल का यूज़ मत कीजिए। थोड़ी देर के लिए उसे रख दीजिए, इससे भी आप आगे तक लॉन्ग टर्म तक मोबाइल चला सकते हैं, क्योंकि मोबाइल के भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। और जैसा कि आजकल देखा गया है बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं मोबाइल में, क्योंकि जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो कार्टून वगैरह देख रहे हैं मोबाइल में, गेम्स देख रहे हैं छोटे छोटे। अब जो मम्मी लोग होती हैं वो अपना काम करने के मारे उन लोगों को दे देती हैं मोबाइल, चल बेटा खेल ले मोबाइल, मेरा भी काम आसानी से होता रहेगा। तो इससे धीरे धीरे वो मोबाइल के बहुत ज़्यादा मतलब मोबाइल के ही अडिक्ट हो जाते हैं, मोबाइल के बिना फिर उनका काम नहीं चलता है। तो इस चीज़ से भी बचिए। अगर आप मोबाइल, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, जो जिनको पता भी नहीं है मोबाइल के बारे में, वो भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उसमें उससे ज़्यादा बेटर है कि आप उन्हें टीवी पर कुछ चला के दे दीजिए, क्योंकि टीवी फिर भी उनकी आइज कॉन्टेक्ट से बहुत दूर चलता है, तो उससे उनकी आइज इतना ख़राब नहीं होगी जितना कि वो मोबाइल को पास से देख के उनकी आइज पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। और आगे के वीडियो में चलिए मैं दूसरे रूम में जाऊँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे मोबाइल चलाते हैं बच्चे, तो उससे उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप लोग अगर सावधानी से मोबाइल चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर चलते हैं आगे की बातें करते हैं, नेक्स्ट रूम में जाके बताएंगे आप लोगों को मोबाइल के नुकसान। और लेकिन मोबाइल के बिना हम लोगों का काम भी नहीं चलने वाला, तो हम लोगों को मतलब इसी में हम लोगों की अच्छाई है कि हम लोग मोबाइल को सावधानी से चलाएं और अच्छी पोजीशन में मोबाइल को चलाएं। इस हम लोगों के बॉडी के बराबर में ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोगों की गर्दन पर ज़्यादा जोर ना पड़े। जैसे ही हम लोगों की गर्दन पर जोर पड़ता है ना, ऐसे ये हमारे जो माइंड होता मतलब हम लोगों का पूरे सर का वेट जो है 2-3 किलो होता है, अब वो हम लोग ऐसे करके उस पर बिल्कुल डाल देते हैं, आगे सामने ही देखते रहते हैं। तो लगातार जब आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा। लॉन्ग टर्म में हम लोगों को पता चलता है, तुरंत पता नहीं चलता है, जब हम लोग हद से ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं तभी हम लोगों को पता चलता है। तो और इसके लिए अगर जैसे आपने चला ही लिया है बहुत मोबाइल और हो ही रहा है अगर आपके दर्द, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, जैसे आप रात में अगर सोते हैं तो आप तकिया लगा के मत सोइए, बिल्कुल अपने रिलैक्स दीजिए, बिल्कुल बॉडी सीधी होनी चाहिए आपकी, तकिया बिल्कुल भी मत लगाइए। और मूव लगा सकते हैं, कोई भी तेल से मालिश कर सकते हैं, ऐसे ही रिलैक्स आप कर सकते हैं अपनी बॉडी को। और बाकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हैं मोबाइल को, जैसा कि मैंने बताया सेंटर में रखना है, चेस्ट के सेंटर में मोबाइल को रखना है,
और ज़्यादा से ज़्यादा बचें कि आपको लेट के मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि ज़्यादातर लेट के ही लोग मोबाइल चलाते हैं, उससे भी हमारी आंखों पर इफेक्ट पड़ता है और फिर भी हमारी बॉडी में दर्द होने लगता है। जितना भी आप मोबाइल को, मोबाइल वैसे कम से कम यूज़ करना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं पा रहा है, बिना मोबाइल के काम चल ही नहीं रहा है लोगों का। तो इसे आप थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब ये नहीं कि लगातार मोबाइल चला रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स दीजिए मोबाइल को। तो चलिए आगे की बात फिर करते हैं, दूसरे रूम में चलते हैं, तभी मैं आपको मतलब बता पाऊंगी कि कैसी पोजीशन में लेट के लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है। ओके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ दूसरे रूम में आप लोगों को ये बताने कि कैसे कैसे आप लोगों को, मतलब किस किस पोजीशन में आप लोगों को मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। जैसे कि एक पोजीशन होती है ये कि हम लोग हमेशा अपने मोबाइल को ऐसे ही पकड़ते हैं और ऐसे 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 1-2 घंटे तक लगातार हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोगों की जो यहाँ गर्दन होती है उसके नीचे के हिस्से में और यहाँ शोल्डर पे पूरा पेन होने लगता है, और हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो पेन हो किस लिए रहा है। तो वो पेन इसी वजह से होता है जो हम लोग ऐसे करके मोबाइल चलाते हैं। हम लोगों को अपना मोबाइल ऐसे पकड़ना चाहिए कि वो चेस्ट से ऐसे सेंटर में हो, ऐसे। तो हर वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग ऐसे मोबाइल पकड़े, थोड़ी देर के बाद हम लोग की गर्दन ऐसे होने लगती है और हम लोग अपने मोबाइल को ऐसे चलाते हैं और लगातार चलाते रहते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, ऐसे पिलो ले लीजिए, और ऐसे पिलो लेके, जैसे जब आपको ऐसे चलाना हो मोबाइल, तो ऐसे पिलो लेके और इस पर ऐसे हाथ रख के और इस तरह से चलाएं, तो इससे जब इससे आपको सपोर्ट मिला रहेगा तो आपको मोबाइल चलाने में आसानी होगी ऐसे करके। तो सही पोजीशन मोबाइल पकड़ने की यह है कि आपको ऐसे मोबाइल पकड़ना है। इस तरह से मोबाइल पकड़ने से आपके जो गर्दन के नीचे मसल्स हैं उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और आपके दर्द नहीं होगा। ये दर्द होता रहता है और हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि ये दर्द हो क्यों रहा है, क्योंकि हम लोगों का ध्यान इसकी ओर बिल्कुल जाता ही नहीं है। और एक और पोजीशन, गलत पोजीशन होती है मोबाइल चलाने की, जो अक्सर हम लोग रात में ऐसे चलाते हैं और आजकल के बच्चे भी अक्सर ऐसा चलाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो पोजीशन होती है ऐसी, ऐसे लेट जाते हैं बच्चे और अक्सर ऐसे 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 मोबाइल चलाते हैं ऐसे ऐसे, तो इससे भी हमारी आईज पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इस पोजीशन से भी आपको बचना है, इस तरीके से आपको मोबाइल नहीं चलाना है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है और हम लोगों को पता नहीं चलता है। और एक हम लोग इस साइड इस तरह से भी मोबाइल चलाते हैं, ऐसे ऐसे लेके बैठे रहते हैं, या थक जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सब जो गलत पोजीशन है मोबाइल चलाने की, इसी वजह से हम लोगों के जगह जगह पेन होता है जो हम लोगों को पता नहीं चलता, होता सब मोबाइल की वजह से है। तो आप लोगों को खुद को भी कंट्रोल करना है इस गलत पोजीशन में मोबाइल चलाने से, और अपने बच्चों को भी बताना है कि आप लोग ऐसे मोबाइल मत चलाइए। आगे चल के थोड़े दिन में असर पता नहीं चलता है किसी भी यूज़ का, जो भी हम लोग गलत तरीके से कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका असर तुरंत पता नहीं चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आगे जाके हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, और जिसके साथ होती है वही जान सकता है, ऐसे बताने से पता नहीं चलता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि किस तरह से मोबाइल हम लोग को यूज़ करना चाहिए, और आप अपने बच्चों को भी बताना कि ये गलत यूज़ है, और अगर वो बहुत मोबाइल की जो रेस निकलती है वो बहुत नुकसानदायक होती है, ख़ास तौर से बच्चों के लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है। तो उन लोगों को ये बताएं कि जब भी आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें ब्लू लाइट फिल्टर का यूज़ करें। तो जब ब्लू लाइट फिल्टर का आप लोग यूज़ करेंगे तो उससे उनकी आइज़ पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना अपना और अपने बच्चों का, और बैक पेन से बचेंगे, शोल्डर पेन से बचेंगे, और आइज़ को जो प्रॉब्लम हो रही होगी उससे भी बचेंगे। तो चैनल के लिए जो भी न्यू फ्रेंड है तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। आपकी अपनी मधु, रियल वन मधु ब्लॉगर, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ओके, बाय बाय।